ऐसे देखो मेरे नई टी शर्ट के ऊपर ना पेन लग गया। मैं कुछ लिख रहा था, स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ किसी चीज की, तो पेन मैंने बेड के ऊपर रख दिया और जब उसके ऊपर लेट गया रात को पता ही नहीं चला कि पेन मेरे नीचे पड़ा हुआ है, तो ये लग गया। तो अभी इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो स्टेन रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जुगाड़ बना लेता हूँ। ग्लास के ऊपर मैं अपनी टी शर्ट को ऐसे रबड़ के साथ रख देता हूँ, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैंने ये जुगाड़ बना लिया है। अभी मेरे पास एक ब्रश है और ये है अल्कोहल, तो अभी हम इसको इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। वैसे मैं डाल के पहले मैं देखता हूँ होता भी है कि नहीं, फैलता है, फिर मैं बंद कर दूंगा। सारा का सारा अल्कोहल मैंने खत्म कर लिया है पर ये नहीं रिमूव हुआ, मिशन फेल हो चुका है, टी शर्ट खराब हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। सुबह सुबह एक प्रॉब्लम हो गई, टी शर्ट में दाग आ गए थे, तो वैसे मैंने साफ किया है, काफी ज्यादा अल्कोहल अप्लाई किया था, वो भी मेरे पास पड़ा था, तो उससे आसपास के तो मतलब जो होता है ना उसके आसपास फैला हुआ होता है वो तो और फैल गया और जो मोटे मोटे दाग थे वो फीके हो गए। अभी मैंने वैसे सर्फ में डाला हुआ है तो शायद ठीक हो जाए, तो क्या ही कर सकते हैं सुबह सुबह। नहीं, मेरी फेवरेट टी शर्ट खराब हो चुकी है। मार्केट जा रहा हूँ, ये लगाना पड़ेगा, ये पैसे खर्च हैं, फायदा भी तो उठाया जाए इस चीज़ों का। बारिश पड़ी है ना इसलिए सारा एरिया गीला गीला। वैसे एक दो दिन से ना नहीं चार पांच दिन से मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो सोचा चलो आज अपलोड कर देते हैं, तो इसलिए मैंगो शेक बनाने वाला हूँ, तो उसकी मैं अपलोड करूँगा। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो कितना पानी जमा जाता है हमारे इधर। कल तो भाई इधर से गुजरना भी मुश्किल था, यहाँ तक पानी आ रहा था, यहाँ तक। आज तो सारा जमीन के अंदर चला गया है, पर बारिश आती है तो वैसे भी ठीक ही लगता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छा ही लगता है भी, हाँ पानी जमा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा आती है। ये हमारे घर के पास बोहड़ बोहड़ का पेड़ है, पीपल और बरगद दोनों साथ में है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अच्छा होता है एरिए के आसपास, और उसके नीचे ठंडक होती है बहुत ज़्यादा पूरी गर्मी में भी। आज हमारी 1 तारीख है, तो 1 तारीख को सारी मार्केट बंद ही रहती है, लोगों को अगर कोई साफ सफाई करनी है तो आज के दिन नहीं करते हैं। बाकी दुकानें तो बंद होती हैं पर डेयरी वगैरह सब्जी वाली दुकान वगैरह खुली होती हैं। वैसे स्पाइडरमैन की मूवी भी रिलीज हुई है पर हमारे घर के आसपास कोई थिएटर ही नहीं है, सारे थिएटर शहर में है, 48 किलोमीटर दूर मेरे घर से। वैसे तो अगर कोई फिल्म रिलीज होती है ना तो अगर मैं देख नहीं पाता थिएटर वगैरह में, तो मैं यूट्यूब के ऊपर वगैरह रिव्यू वगैरह उसके देख लेता हूँ, स्टोरी एक्सप्लेनर जो होते हैं। पर स्पाइडरमैन फिल्म में से एक है जिनका मैं स्टोरी रिव्यू नहीं देखना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली फिल्म देखकर वो भी एकदम पूरी फुल क्वालिटी में ओरिजिनल उसका जो होता है वो देखना मैं पसंद करूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस अलग होता है। जॉन विक का भी, जॉन विक मुझे सबसे बेस्ट लगती है, वो भी मैंने अभी तक उसका रिव्यू नहीं देखा यूट्यूब के ऊपर। तो ये भी बन चुका है हमारा फिर आम रस, उस दिन अच्छा ही इतना बनाया था सभी बोल रहे थे दोबारा बना के देना, हम करें मैंने फिर बना दिया, देखो एकदम मज़ा ही इतना आता है पीने। गर्मियों में आमरस नहीं पिया तो क्या ही किया है जिंदगी में आपने, जागिए उठिए और आमरस पिए और अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाइए और भगवान का शुक्र कीजिए कि उसने आपको ये जिंदगी दी है। छोटे से काम में कितने बर्तन गंदे होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूध वाली गड़बड़ी, 7, 8, 9, 9 और 10 10 और 11 चमचा और 12 खड़शी उस पार्टी के बाद खाना खाया जा रहा है, और वैसे आमरस उस दिन मैंने स्वाद भी बड़ा बना दिया था, है ना मम्मी स्वाद बनाया उस दिन आमरस। वो क्या नहीं होता कि घर पे कोई चाय अच्छी बना दे तो फिर उसकी चाय की ड्यूटी लग जाती है, तो मैंने आमरस बना दिया, मेरी आमरस की ड्यूटी लग गई। अभी बोल रहे कल फिर लेकर आएंगे, फिर बनाना, मैंने बना फिर बना दूंगा। बादल फिर काफी ज्यादा आ चुके हैं यार, तेज आंधी भी आने वाली है बस थोड़ी टाइम में, ठीक है कोई बात नहीं आने दो, क्योंकि मई के महीने में, मई जून जुलाई ये महीने में बारिश होने से ही गर्मी जाती है, अगर बारिश नहीं ना हुई तो पंजाब में इतनी गर्मी जाती है कि इंसान झुलस जाए धूप में थोड़ा सा जाकर। मैं आपको एक पौधा दिखाने वाला हूँ, तो ये है पियर्स, ठीक है ये पियर्स का है और ये भी पियर्स का है, पर इसको पंजाब में गब्बू गोशा कहते हैं, ये उसका दूसरा वेरिएंट है,
पर ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, एकदम स्वीट होता है। ये हमारे अमरूद भी लग चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से, इन्हें नहीं देखा तो ये देखो नए नए, इनको टच नहीं करते फिर ये बड़े नहीं होते, सो मैं अवॉइड कर रहा हूँ टच। ये देखो ये ऐसे होता है नया नया एकदम फ्रेश वाला, और इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसका जो फूल होता है ना काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, इसका फूल होता है सफ़ेद कलर का। ये देखो ये बड़े हो चुके हैं दोनों पौधे हमारे घर में, दो अमरूद के नहीं तीन अमरूद के पौधे हैं। तो ये वो हैं पेंदे हुए हैं, मतलब क्या बोलूँ, अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, बस इनको हाइब्रिड किया गया है। मतलब एक दरख्त के ऊपर दूसरे दरख्त का वो लगा देते हैं तो वो फल वगैरह जल्दी आ जाता है। कुछ है प्रोसीजर, पापा मुझे बताया करते हैं तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्या होता है। सो इसी वजह से वो जल्दी जल्दी फल लग जाता है। और छः महीने का गैप, मतलब 6 महीने लग चुका है ना, उसके बाद 1.5 महीना गैप रहता है, उसके बाद फूल लगते हैं, उसको फिर लगना शुरू हो जाता है फल। ऐसा है इधर ये सारा प्रोसीजर इनका। दोनों भाई काम कर रहे हैं और मेरा ना कुछ घर पे मनसा नहीं लग रहा था, वैसे भी आज मंदिर जाना ही था, आज के दिन मैं जाता ही हूँ, आज आज के दिन और मंगलवार, तो क्या ही कर सकते हैं। और गाइस मैंने अभी भी रील डाली थी भाई, अब फिर ये नहीं करोगे, 10 मिनट में 1700 लोगों ने देखा और सभी ने लाइक भी की है, काफ़ी अच्छा। मतलब धीरे धीरे ऐसे ही तरक्की आती है, और एकदम से जो तरक्की आ जाए उसका फिर इंसान को मेहनत का जो मूल्य होता है वो पता नहीं चलता है। तो जिसको धीरे धीरे भगवान तरक्की देता है उसके पास ज़्यादा देर तक रहती है, हमेशा के लिए रहती है, पर जिनको तरक्की मिल जाती है बहुत जल्दी उनसे जल्दी ही चली जाती है। गाइस ये मंदिर है गाइस, ये मंदिर में पंडित जी नहीं थे, प्रसाद ही नहीं मिला। चलो आशीर्वाद तो मिलकर भगवान का।